हेलो फोर्थ क्लास, आज हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, तो कल की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी एक्सरसाइज नंबर 1.5, जिसमें अभी तक आपने क्या किया, इंडियन नंबर सिस्टम किया, आपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किया है। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम, वन इज इंडियन सिस्टम, सेकेंड इज इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले जैसे आपको इंडियन सिस्टम में आपको पता है आपको पीरियड्स होते हैं, तीन टाइप के पीरियड्स होते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स, फोर टाइप्स के होते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या होता है बेटा, पीरियड्स ही होते हैं। इसमें थ्री टाइप्स के पीरियड्स होते हैं, एक होता है वंस, सेकेंड होता है थाउजेंड्स एंड थर्ड पीरियड जो आपका होता है वो किसका होता है, मिलियंस। फाइन, थ्री टाइप्स के आपके पास पीरियड्स हैं, वंस का, थाउजेंड्स का एंड मिलियंस का। सबसे पहले वंस पीरियड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट्स में, सेम एज इट इज। जैसे आप इंडियन सिस्टम में करते हो ऐसे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, दैट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। फाइन, आगे जो थाउजेंड है इसमें हम थाउजेंड को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, एज इट इज 1000, फिर 10,000, ये तो आप पहले भी करते थे। ठीक है, इसमें एक पार्ट और डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं 100,000। ओके, देन नेक्स्ट जो आपका थर्ड आता है उसके अंदर क्या होता है, थाउजेंड के बाद लाख आता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पास थाउजेंड के बाद क्या आएगा, मिलियंस। मिलियंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। फाइन, इसमें सेम एज इट इज चलते हैं बेटा, वंस में क्या वैल्यू होती है, 1, टेंस में 10, 100 में 100, 1000 में 30, 10,000 में 40, 100,000 में आपके पास कितनी आ जाएगी, 50, 1 मिलियन में 60, 10 मिलियन में 70 एंड 100 मिलियंस में 80। तो ऐसे होता है आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो सबसे तो अगर हम मान लीजिए जैसे आपके पास अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 1.6 की, फर्स्ट है, सेकंड सम है आपको, राइट द पीरियड एंड प्लेस फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन बोल्ड डिजिट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। आपने क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना है ये क्या बनता है। सबसे पहला सम है आपके पास 3, 2, 5, 7, 8 और इसके अंदर किसकी किसकी वैल्यू बतानी है आपने, 5 की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख के देखते हैं, 8 कौन सा जगह, वंस पे, 7 टेंस पे, 5 हंड्रेड पे, 2 1000 पे, 3 10,000 पे। अब हमें 5 की वैल्यू बतानी है, 5 किसकी प्लेस पे है, 100 पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू क्या हो गई इसकी, 500 एंड पीरियड कौन सा हो गया, कौन से पीरियड में आ रहा है ये अभी आपके, वंस में। तो पीरियड्स क्या लिखेंगे इसको, वंस। क्लियर जी, ऐसे ही बेटा सेकंड सम में, सेकंड सम में क्या है आपके पास, 1, 4, 5, 6, 3, 2, 4, इसमें भी आपने 5 का बताना है। तो आई होप आपको फर्स्ट सम समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, सेकंड में क्या बताना है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। आपने नंबर नेम्स बताने हैं, ठीक है, कैसे बताएंगे नंबर नेम्स, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रब करती हूँ। अब आपके पास सेकंड सम का क्या वो है, देखिए आपके पास सम क्या है, 4105159 0। तो हम राइट मोड से शुरू करते हैं,
सबसे पहले वंस की प्लेस पे जीरो लगाओ, टेंस की प्लेस पे नाइन, हंड्रेड की प्लेस पे वन, इसको लगाओ वन, फिर फाइव, फिर जीरो, फिर वन एंड फोर। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। मिलियंस में क्या है, टेन मिलियन पे क्या है, फोर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेन होता है तो टेन में हम इकट्ठे पढ़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, 41 मिलियंस। क्या होगा, 41 मिलियंस। तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, तो इसको वर्ड्स में लिख के देखते हैं। देखो बेटा, इसको क्या लिखेंगे, 40 की स्पेलिंग FORTY, 41 मिलियंस। मिलियंस की स्पेलिंग MILLIONS, 41 मिलियंस। उसके बाद क्या आ रहा है, 51,000। 50 के स्पेलिंग FIFTY, 51,000 के स्पेलिंग THOUSANDS, 51,000। और 500, 51,000, 590, ओके। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही बेटा आप सबने इसको, आपने इसको वर्ड्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, मुझे लगता है बेटा आपको 1.6 अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आपका होमवर्क क्या है, आपने 1.6 का सेकंड एंड थर्ड सम कंप्लीट करना है अपनी कॉपीज में, और एज अ होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।